नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और अभी बाबा साहेब गांधी मजरूला के साथ भावना क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है और आज दूसरा मैच है जो बनारस और देवरिया के बीच हो रहा है। और यहां पे चीफ गेस्ट के तौर पे डॉक्टर अशरफ अली जी हैं और डॉक्टर दानिश जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है, कैसा लग रहा है दूसरा मैच है? आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को और जितने खिलाड़ी हैं इन लोगों का भी स्वागत है। ये बढ़रिया में एक ऐतिहासिक बाबा साहब गांधी मजलूल हक क्रिकेट टूर्नामेंट है जो प्रत्येक वर्ष कराया जाता है जकरिया खान, इश्तियाक खान और इनके सहयोगियों के द्वारा। इस टीम के सभी लोगों को हम अपने तरफ से बहुत बहुत बधाइयां देना चाहते हैं जो हमारे बढ़रिया प्रखंड और बढ़रिया विधानसभा सिवान जिले के लोगों को, सिवान जिले के क्रिकेट प्रेमियों को इंजॉय करने का एक अच्छा खेल का प्रतीक दिया जाता है। और हम लोग को बहुत खुशी होती है कि हमारे बढ़रिया में इतनी ऊंची स्तर से ये क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। और मैं ये सोचता हूँ कि प्रत्येक वर्ष होता रहे और सभी खेल प्रेमियों से मैं आग्रह करता हूँ कि सब लोग आएं और इस ठंडी के शिद्दत में पूरे ठंडा का इंतजाम करते हुए आएं और क्रिकेट का मज़ा लें, इसका लुत्फ उठाएँ और क्रिकेट खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करें। देखिए, क्रिकेट ही नहीं कोई भी खेल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, कोई भी खेल हो, किसी भी एथलीट्स में स्वास्थ्य का बहुत ही गहरा संबंध होता है। आज के डेट में आप देखिए कि फिजियोथेरेपी जो है सबसे ज़्यादा अपने रूप को लेकर के सामने आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स फिजियोथेरेपी को एडवाइस कर रहे हैं कि आप किसी भी दर्द, किसी भी परेशानी से फिजियोथेरेपी को कराएं, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो खेल और फिजियोथेरेपी से ही ठीक होंगी। इसीलिए खेल और बीमारी का बहुत ही गहरा संबंध है। जो व्यक्ति हमेशा खेल खेलता है उसको शायद कोई बीमारी नहीं होती है। क्या कहिएगा डॉक्टर साहब, आज चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे आए हैं, कैसा लग रहा है? जी, ये टूर्नामेंट जो है हर साल जो है कराया जाता है जकरिया खान जी के द्वारा और मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं आग्रह करूंगा सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और जो है इस खेल का लुत्फ़ उठाएँ। जो स्वास्थ्य है और क्रिकेट है उसका हमेशा से नाता रहा है, क्योंकि फिटनेस क्रिकेट के लिए काफ़ी मायने रखता है, तो इसके माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, कोई भी खेल जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और फिटनेस के लिए एक के जीवन में जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो खेलते रहना और फिट रहना दोनों साथ साथ चलता है। हमारे सर ऑर्थोपेडिक्स हैं, हड्डी के डॉक्टर हैं और इनसे और कुछ पूछिए या और कुछ बताएंगे कि खेल का और स्वास्थ्य क्या संबंध है जी, उसके बारे में आप क्या कहिएगा? बताइए सर, आपके प्रोफेशन से आप फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं? नहीं नहीं, फिजियोथेरेपी जो है आजकल फिटनेस के लिए देखते हैं हर जगह जो है फिजियोथेरेपी बहुत रोल करता है। तो अगर आपको फिट रहना है तो किसी भी प्रकार का खेल में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आप काफ़ी फिट रह सकते हैं। ठीक है, जकरिया साहब क्या कुछ कहिएगा, क्योंकि आपने डॉक्टर लोगों को इनवाइट किया है, मैं शुरू से देख रहा हूँ जब से ये टूर्नामेंट चालू हुआ है, कैसा लग रहा है और ये सफल होने जा रहा है ये टूर्नामेंट? गांधी मजलक सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट में आए हुए सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, जो डॉक्टर जो कल भी लोग आए थे, कल आपका डॉक्टर शाहनवाज साहब आए थे, डॉक्टर सोहेल अब्बास जी आए थे और डॉक्टर गरीब हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हमारे जो बैठे हुए हैं हमारे डॉक्टर अशरफ साहब और फिर से भारत हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर जो थे मोहम्मद अली खान, वो भी कल आए थे। सारे डॉक्टर लोग जो बढ़रिया में आकर और ये टूर्नामेंट को सफल बनाने के जो काम किए हैं जो बढ़रिया में, और लोगों में एक उत्साह, एक खेल के प्रति एक बहुत बड़ा एक संदेश दिए हैं कि बच्चे लोग आगे खेलें और खेल से बच्चे का फिटनेस रहता है, समझे? ये मतलब कि डॉक्टर लोग जो काम किए हैं बढ़रिया के लिए ये बहुत सराहनीय चीज़ है, ये समझे? काफ़ी सालों से ये टूर्नामेंट होते आ रहा है तो कैसा लगता है और कितना लोगों का सहयोग रहता है? इस टूर्नामेंट में कुछ अलग हुआ है, चूँकि देखिए हर लोग टूर्नामेंट कराते हैं, चीफ गेस्ट में अलग अलग नेता को इनवाइट करते हैं, मगर हमने सोचा कि जो ज़िले के जो भी बढ़रिया के डॉक्टर हैं, ज़िले के डॉक्टर हैं, सबको इनवाइट किया जाए, क्योंकि हमको कोई भी आपको कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी परेशानी को
अगर पेट देख रहा था कि हर साल आप नेताओं को इनवाइट करते हैं और इस साल डॉक्टर लोगों को इनवाइट किए हैं, कैसा है, मतलब क्या दिमाग में है आप जब वही चीज़ आपको बता रहे हैं ना, आपको कि आपको कोई भी परेशानी होती है या हमको कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और ये है कि दूसरा भगवान डॉक्टर को कहा जाता है, तो डॉक्टर का इज्जत सम्मान देना ये हमारा आपका फ़र्ज है कि सबसे पहले हम किसी डॉक्टर को बुला के इनवाइट करें और उनका सम्मान बढ़ाएं उनका। आगे भी इस तरह का खेल देखने को मिलेगा आने वाले आने वाला समय में, हमको जिले के सारे डॉक्टर हमसे जुड़ रहे हैं हमसे, और ये टूर्नामेंट और बड़ा होगा चूँकि तो सबका सहयोग भी टूर्नामेंट में है सबका। तो क्या आप इससे पब्लिक को भी आने वाले टाइम में कैंप लगाया जाएगा? हाँ, इसका कैंप भी लगाया जाएगा, कैंप भी लगाया जाएगा, बाकी और भी काफ़ी फायदा होने वाला है जी हेल्थ के मामले में। जो अतिथि आए हुए थे मैच में वो थे और उनसे बातचीत हुई, और आप भी आइए यहाँ पे गांधी मजरूल हक, बाबा साहेब गांधी मजरूल हक सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट का एंजॉय कीजिए और इसको सफल बनाइए। मैं था आपके पास विशाल गौरव, शुक्रिया।